जम्मू कश्मीर इम्प्लॉय जनरल कमेटी तमाम उन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और दूसरे महकमा जहाज से ताल्लुक रखने तमाम मुलाजमी को मुबारकबाद पेश करते हैं जो इस वक्त कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में अपना रोल निभा रहे हैं। और साथ ही में हम इस मौके पे यूटी के जो हाल ही में मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना है उसमें काम कर रहे 63,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन जिनमें कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स, डेली वेजर्स, NYCs, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और NHM में काम कर रहे हैं आर्जी वर्कर्स की जो रुकी पड़ी उजरतें हैं इस वबाई बीमारी में, जब वो लोगों को राहत पहुंचाने में काम कर रहे हैं, मुलाजमी के साथ छाना बछाना वो काम कर रहे हैं, उनकी जो उजरतें रुकी पड़ी है उनको फिलफोर वागुजार किया जाए, क्योंकि उनकी फैमिली जो है, उनका जो आला आयाल है वो इस वक्त कसम परसिक की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो फाका कशी कर रहे हैं। लिहाजा मेरी इंतजामिया से गुजारिश है, यूटी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उनकी रुकी पड़ी उजरतों को फिलफोर वागुजार किया जाए और जो SRO 520 है उसमें फूरी तरमीमात करके उनके जो रेगुलेशन प्रोसेस है उसको बाकायदा बनाया जाए और जल्द से फौरन से पेशतर उनकी रेगुलेशन पॉलिसी को मुकम्मल किया जाए। और साथ ही मैं तमाम मुलाजिमों से मैं अपील करता हूं कि वो इस वक्त अपने इर्द गिर्द में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनको राहत दे, उनको अपने जो उनकी तनख्वाह है उसमें से उनको भी खाने पीने की चीज़ें जो है वो फराहम करें।